What a villain is Mera. Sir, घरियाल से handshake करेंगे हम लोग. And this घरियाल is a fish eater. They eat only fish. Only fish. Yeah. So we are safe. Absolutely. And ये भी आलू है. City बजाना है. मॉर्निंग आप सोच रहे हो ये तो गुड नाइट है. ये गुड नाइट नहीं, ये अर्ली मॉर्निंग, लाइक इट्स 4:30 राइट नाउ एंड दिस इज बेसिकली डे 4 ऑफ मी बीइंग इन आगरा. बट आई एम एक्चुअली टेकिंग एफर्ट्स टू लुक एज पर द स्केड्यूल्ड एपिसोड्स. सो या लेट्स सी, आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम चंबल जाने वाले हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ देखने वाले हैं, फिर बटेश्वर जाने वाले हैं. इन बिटवीन हम काफी ज्यादा मस्ती करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर वीडियो एंड मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले कि आपने प्रीवियस सारी एपिसोड्स देख ली है एंड मेक श्योर कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें टू नेवर मिस एनी डिलीशियस एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5. वाओ कितना अच्छा लग रहा है, सो गुड, इतना चहरी हवा. Super excited for Chambal. Are you guys ready? Yes. Sir, good morning. कैसा फील कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा. चलिए अच्छा. अभी मैं एक मिनट तैयार हुआ, दो मिनट बाहर निकला, 15 मिनट की मेरी व्यस्तता थी. मैंने सोची सुबह इन्होंने इतनी जल्दी क्यों फोन कर दिया, इतनी यूनिक था. Let's start. Chambal is basically 86 kilometer from Agra. Took us 1.5 hours to reach. But डेढ़ घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला because the roads were so smooth, the weather was so fine. और early morning आपको पता ही है, ठंडी breeze, birds chirping, broad roads, everything is so mesmerizing. So when in Agra, you don't need to limit yourself to all these places which you already know, like Taj Mahal, Red Fort. But there are also certain places which you have to mark your visit in when you are here in the city, which I will tell you in this episode and also in the upcoming episodes too. It's already 6:20 right now and I can't tell you, I am just surrounded by a lot of greenery all around and you know the birds chirping and everything, it's so peaceful and divine. And it's such a chilling weather. So we'll just sip on to some tea or something and then we'll start our safari, and which is going to be an adventurous, a super fun day. This is so serene, no? इधर ये bonfire के लिए area बनाया हुआ है. If you are planning for the Chambal wildlife safari जो हम करने वाले हैं, उससे पहले you can definitely come here and you know check out this place and है ना, आप यहाँ रह भी सकते हैं. And this place is quite peaceful, very serene. अब देख सकते, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो बिग. वहाँ झूले लगे हुए हैं, बॉनफायर है यहाँ पर. एकदम सिटी से बाहर एकदम अलग सा फील आ रहा है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज गिविंग सच अ गुड ब्यूटिफुल वाइब. नो जस्ट यहाँ पर एक यू नो बहुत ही प्यारा सा एक डेकोरेटिव आउल बनाया हुआ है. लुक एट दिस विंडोज, ये जो चीज़ बनाई हुई है बड़ी प्यारी लग रही है. वेदर काफी अच्छा, तो सोचा क्यों ना बाहर बैठ के थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूँ. कॉफी एंड मी एक्सप्लोरिंग. वहां से सूरज निकल ही रहा है. इस एरिया में जहाँ पर हमने कॉफ़ी पी, यहाँ पर आपको एक बड़ा गार्डन दिख गया और जो जिसकी टेरेस पर हम गए थे वो लाइब्रेरी थी. यहाँ पर बॉनफायर है और ये जो लाउंज है यहाँ पर आपको सारा फुल नेटवर्क मिलेगा और वाईफाई भी कनेक्टिविटी है, तो लाइक गुड यू नो अरेंजमेंट. अभी हम चलते हैं और देखते हैं. यहाँ पर इन टोटल देयर आर 14 रूम जिसमें 7 सूट्स एंड 7 2-in-1 बेडरूम्स है. सो वी विल गो एंड चेक आउट द बेडरूम्स ना. तो ये दो सूट है, तो वो दो कॉटेज है, वो और ये. ये रूम्स के नाम है ना, हॉर्नबिल बर्ड्स के नाम पे रखे हैं. ये अपना पर्सनल गार्डन एरिया हो गया. सर कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम. इनके आप भी हमने सर से काफी ज्यादा बातें की, बहुत अच्छा लगा. मैं गजेंद्र सिंह. आज गजेंद्र सर हम लोगों को लेके जाएंगे फॉर द वाइल्ड लाइफ टूर. यस सर. नाउ यू कैन सी ब्यूटीफुल लैंडस्केप ओवर लेफ्ट साइड, पार्ट ऑफ सेंचुरी. ओके. नेशनल चंबल सेंचुरी. दिस एंटायर लैंड. या एंटायर लैंड, दिस पार्ट ऑफ सेंचुरी. दिस वी कॉल
Chambal Ravines and we call Chambal Behud. Chambal Behud. Behud. Yeah. वी हैव रीच द स्पॉट जहाँ से हम अपनी बोट राइड स्टार्ट करेंगे, बेसिकली बोट राइड सफारी. तो चलिए लेट अस फॉलो गजेंद्र सर एंड गेट इन टू द एडवेंचर. सर एक बात बताइए, ये वाला बोट इतना छोटा है, अगर कोई क्रोकोडाइल हमला कर दिया तो? कभी नेवर कभी क्रोकोडाइल अटैक ही नहीं किया. अच्छा, बोट काफी बड़ा है, अबाउट 10% कैन. अच्छा सर, बोट एट वंस टाइम. ओके, वी ऑलवेज वी अलाउड अबाउट 8% ओनली. ओके, फॉर सेफ्टी. फॉर सेफ्टी सर, घड़ियाल से हैंडशेक करेंगे हम लोग. मुझे ऐसा लगता है जो बीच में तीरा जैसा जो दिखाई दे रहा है वो घड़ियाल तो नहीं है. मजाक कर रहे हैं हम सर, आज बहुत मूड में है. तो हम लोग रेडी है जाने के लिए फॉर द बोट राइड सफारी. हम देखेंगे घड़ियाल को और क्रोकोडाइल्स, होपफुली डॉल्फिन्स भी दिख जाए हमें. I'm super excited. Are you excited? If yes, then hit the like button and share it. And definitely plan our trip here. सिटी बस नहीं रही है. सो आज के बोट राइड सफारी में हमारे साथ है निहाल सर, जो हमारे साथ ऑलरेडी 4 दिन से है. हमारे साथ है हरिओम सर, जो भी हमारे साथ 4 दिन से, 4 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से हम साथ है. यहाँ पर भी है गजेंद्र सर, जो आज हमें गाइड करने वाले हैं. एंड हमारे पास है कुछ नालायक लोग जो यहाँ पर घड़ियाल को देखने आए हैं. इसी बात पे करियो तालियां. वाह 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 वाह. सो नाउ आई वांट टू शो टू द घड़ियाल. हैव अ लुक योर लेफ्ट साइड ओवर देयर द स्मॉल आइलैंड, देयर द ओपन माउथ घड़ियाल. सो यू कैन यूज माय बिनोकुलर्स. सो यू नो दिस घड़ियाल इज यूनिक स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड. दिस घड़ियाल ओनली वी कैन सी इन इंडिया नेपाल. देयर ओनली टू कंट्रीज दे हैव अ घड़ियाल. 1 2 3 एक ये वाला तो क्रोकोडाइल. ओ सॉरी, ये वाला क्रोकोडाइल है. बीच वाला है वो घड़ियाल है. हाँ. और साइड वाले हैं जो क्रोकोडाइल. हां, एंड दिस घड़ियाल इज फिश ईटर. ओके, या दे ईट ओनली फिश. ओनली फिश. या सो वी आर सेफ. एब्सोल्युटली वी आर सेफ. हां, हैव अ वेरी शार्प टीथ एंड वेरी थिन स्नो आउट. एंड द लास्ट ऑफ स्नो आउट द मेल घड़ियाल हैव अ स्मॉल पॉट थिंग्स. सो दैट पॉट थिंग वी कॉल हिंदी घड़ा. सो दैट्स द नेम ऑफ दिस creature is ghadiyal. इसलिए ghadiyal. इस ghadiyal. The spoonbill and grey heron right here. Yeah. उसका चोंच देखिए, चम्मच की तरह है ना? Completely चम्मच. So now we are going at the upstream of Chambal River, and our right side is Uttar Pradesh, and our left side is Madhya Pradesh. And then Uttar Pradesh we have a Agra district, and Madhya Pradesh we have a district Bhind. Border of 2 states. Yeah. In length, the maximum gharial in Chambal River is about 7 meters, which is male gharial fully dominant, and lots of juveniles. And maximum crocodile in Chambal River we got about 3 meters. Okay, crocodiles. Yeah. So there is a group of the lesser whistling ducks, and the lesser whistling ducks make a sound as like a whistle. हाय, मगरमच्छ देखा? घड़ियाल देखा? घड़ियाल नहीं देखा? घड़ियाल हमने तो बहुत सारे देखे. कुछ हमने घड़ियाल देखी, अब तो समझ में आ गया घड़ियाल में और क्रोकोडाइल में क्या फर्क है. क्रोकोडाइल भी देखा था, बड़ा मजा आया. फोटोग्राफी के बारे में काफी हमने सेशन ली गजेंद्र सर से. आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं ना जी? हम अभी ऑन वे देखने वाले हैं काफी सारी फोटोग्राफी. चीज बताइए ना, बटेश्वर मेला जो होता है, कहा जाता है कि वो सबसे सबसे ज्यादा कैटलिंग यहाँ पर होता है. लोगों के जैसे भी को दिख भी रहे घर में कि सबसे ज्यादा कितनी गाय भैंस है. तो उस मेला में क्या होता है सर? एक तीर्थ स्थल है हिंदूज में, तो यहाँ पे हर साल एक मेला लगाया जाता है, बहुत बड़ा मेला, जो फर्स्ट पहले दिन तो लगाया जाता है
15 डेज कैटल फेयर और बाद के 15 डेज लगा जाता है रिलीजियस फेयर। तो कैटल फेयर में बहुत सारे कैटल्स आते हैं, जैसे मोर देन 10,000 हॉर्स, मोर देन 10,000 कैमल्स, डंकी, मेयर एंड बुल्स। वो एक तरह से मार्केट होता है, वो फेयर रहता है अबाउट 15 डेज, फिर वो खत्म होके फिर यहाँ होता है रिलीजियस फेयर। रिलीजियस फेयर में यहाँ पे पूरा मार्केट लग जाता है, पूरा भर जाता है शॉप से, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ, जैसे आई मीन एमपी स्टेट से बहुत लोग आते हैं और मेले में एंजॉय करते हैं, खरीदते हैं। उस रिलीज फेयर के दौरान ही वो लगती है फुल मून नाइट। अच्छा। तो उस दिन एक स्नान होता है जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। उस दिन जितने भी लोग हैं यमुना जी में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद भगवान शिव की बटेश्वर नाथ की पूजा करेंगे। अच्छा। और पूजा करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा। तो उस दिन यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, कम से कम 3-4 किलोमीटर का एरिया पूरा फुल हो जाता है ह्यूमन से। आपको सरिसर दिखाएंगे, कोई व्हीकल्स आ नहीं पाता, केवल आपको 3 किलोमीटर पहले से बैरियर पुलिस रोक देगी और फिर यू हैव टू वॉक। फाइनली हम बटेश्वर टेम्पल पहुंचे और मैंने जितना सुना मंदिर उससे भी ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल था। यहाँ 108 टेम्पल्स डेडिकेट किए गए हैं लॉर्ड शिवा को। ये घंटा किसी ने यहाँ पे भेंट किया है, ये मोर देन 500 केजी का है। तो यहाँ पे जैसे कोई छोटी वाली बैल तो कोई 500 केजी तक के घंटे इस मंदिर के अंदर हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पास ही में एक गेस्ट हाउस था उसके टेरेस पे गए। वहाँ से बटेश्वर टेम्पल का व्यू काफी अनोखा था। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बोट राइड्स है, बोट राइड्स भी एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप मेरी तरह कहीं बैठ के आराम से यहाँ की पीसफुल वाइफ को एंजॉय करें। तो यहाँ पर हम लोग आलू चाट बना रहे हैं, विच इज लाइक मिक्स आलू चाट, आलू तला हुआ आलू में भैया फ्रूट्स डाल रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं खाऊंगी ऐसा। हमने जहाँ अमृतसरी कुलचा जंक्शन में जो कुलचा खाया था उसके ठीक बाजू में निकलते ही आपके राइट हैंड साइड में ये भैया का सेंटर दिखेगा जिसका नाम है देवी सिंह चाट। वहाँ पर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, विच इज़ यू नो फ्राइड पोटैटो के साथ। जैसे फ्रूट चाट तो हम खाते ही है, आलू चाट भी अलग से खाते हैं, बट इनकी खासियत ये है कि ये फ्रूट आलू चाट मिक्स करके बनाते हैं। ऊपर से धनिया पत्ता दिया और कुछ यू नो भुंजा जीरा का मसाला एंड उनके चाट मसाला वगैरह डाला और ऊपर से मूली नींबू हरा धनिया पत्ता की चटनी एंड ऑल द प्रोसेस इन इटसेल्फ वाज सो यम, सो टेम्पटिंग, आई कांट रेजिस्ट, आई हैव टू टेक अ बाइट नाउ। दिस इज अ फ्रूट, विच फ्रूट आई डोंट नो, आई नीड टू टेस्ट। केला वेला सब है इसमें, वाटरमेलन, ये शायद आलू है, आई एम सर्चिंग, ओ दिस इज एप्पल एंड आलू, वाह गुड कॉम्बिनेशन, एप्पल एंड फ्राइड आलू। Savory, crispy, creamy potato along with this sweet, refreshing apple. It's tasting too yum. This is watermelon. Let's take watermelon. And ye bhi aloo hai. Is chaat mein kela bhi bahut acha lag raha hai. My God, why is so good? Oh, humme ko beetroot mila. Let's take beetroot and aloo again. This is pineapple and aloo. And also we have kheera, I guess. Kheera bhi hai. For my next destination, we have come to this place called Barco's. So it's quite famous hai for Thai and Chinese cuisine. Let's go and dig in. So Sanjay Place mein the third destination where I'm gonna dig into some delicious food is this place called Barco's. Ke bare mein maine kafi suna, a lot of people has recommended me about this place and also they have recommended me to eat their momos and spring roll. Maine mangaya but with a twist. But usse pehle because bahar aaj pata nahi achanak se kyun loo chal rahi hai. So we had to drink something. So I have ordered all the good things which I can drink. This is pink lemonade. This is strawberry mojito and this is watermelon chatkara. So I'll drink this pink lemonade for the pink lady. Ladies, only English, only pink. This for the gentleman. No, watermelon is mera. Pinky. मैंने इसलिए ये प्रेफर किया क्योंकि इसमें मेरे को वाटरमेलन का ना चंक्स दिख रहा है, विच इज़ लाइक एप्ट फॉर मी, फैब्यूलस। दिस वॉज मच नीडेड, स्वीट्स, सॉरी बिकॉज ऑफ यू नो लेमन जूस एंड मिंट, रिफ्रेशिंग।
प्लीज हाँ जी इधर रख दीजिए. एंड इन द मीनवाइल आई हैव गॉट सम चिकन वॉन्टन सूप. वो डिलीशियस. ओह माय गॉड इतने दिन उसमें सेसमी ऑयल का कितना अच्छा स्मेल आ रहा है यार. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. इतने दिन से हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन खा रहे थे, मुगल खा रहे थे और दही खा रहे थे. आज वापस मैं आ गई हूँ अपने खाने में. एशियन फूड इज़ माई लव फॉर एवर. आई लव इट. यू नो आई लव वॉन्टन सूप. इसके अंदर यू नो देयर चाइनीज़ कैबेज, कैरेट, ब्रोकोली, मशरूम, पॉक चॉय एंड दिस आर वॉन्टन्स. सुपर सिल्की स्मूथ वॉन्टन्स. सो लेट्स सिप इनटू द सूप फर्स्ट. कितना अच्छा लग रहा है. ब्रॉथी, सूपी, सेसमी. हावे उसका जो शीट है ना वॉन्टन का शीट, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा पतला होना चाहिए था तो और अच्छा लगता. बट अंदर का फीलिंग इज़ वेरी गुड. यहाँ पर ना स्वीट चिली सॉस है. मैं स्वीट चिली सॉस के साथ ही खाऊंगी बिकॉज दिस गोज रियली वेल विथ स्वीट चिली सॉस. ये है कॉर्न चीज़ रोल. तो बेसिकली जो स्प्रिंग रोल शीट्स होता है उसके अंदर कॉर्न चीज़. दिस इज़ वेरी नाइस. दिस इज क्रिस्पी, वेरी सोलफुल, यू नो वेरी कम्फर्टिंग टू द टेस्ट बट बिकॉज ऑफ द वॉर्मनेस ऑफ चीज़. वाह, सिर्फ अंदर सेवरी टेस्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है. बट बाहर का जो आउटर लेयर है ना सो फ्लेकी, सो क्रिस्पी, उसके वजह से टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है. चिकन स्टीम मोमो इन रेड थाई करी. दिस इज़ अ डिश विच इज़ यू नो लिटिल डिफरेंट इन नेम एंड लुक बोथ. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज ये कुछ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम गोना ईट. सेज़वान मोमो तो हमने बहुत खाया है बट रेड थाई करी में दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. लेट्स ट्राई. इन लोगों का कटलेरी कितना प्यारा है ना. I love their cutleries. I want this. How do I get this? Filling में इसमें ना थोड़ा मिर्ची, धनिया पत्ता दिख रहा है, प्याज है. Very nice. Buttery, creamy, coconut milk का जो taste. Oh my god. This gravy is so 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 good. ऊपर आप देख सकते हैं lemon grass leaf दिया हुआ है which is like fabulous. It's tangy. इट्स स्पाइसी, एकदम लाइट स्पाइसी एंड अंदर का फीलिंग भी बहुत अच्छा है. तो ओवरऑल जब आपके मुंह में जा रहा है ना द स्टीमी मोमो अलॉन्ग विद द सुपर स्पाइसी टैंगी चटपटा डिलीशियस थाई करी, इट्स टेस्टिंग फैब्यूलस. दिस इज़ अ मस्ट ट्राई, मस्ट ट्राई डिश. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. ये वाला डिश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एम्बियंस इज ऑल्सो वेरी गुड. मेरे को इसका कटलेरी बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया मेरे को इसका कटलेरी. दैट्स सच अ गुड फीलिंग ऑफ चिकन, मिन्स चिकन इनसाइड, सुपर डिलीशियस. मैं गॉट वॉन्टन सूप से भी ज़्यादा ही बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को.